टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आज हम इंसर्ट मेन्यू को फर्दर पढ़ेंगे। पहले हमने इंसर्ट मेन्यू जो है वो ये कुछ चीज़ें ऐड करना सीखी थी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक कैसे ऐड की जाती है, टेबल और पिक्चर्स को ऐड करना सीखा था हमने। आज हम जो है टेबल और पिक्चर को एडिट फर्दर फॉर्मेटिंग इसकी सीखेंगे, ये फॉर्मेट कैसे किया जाए, इसको मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए अपने डॉक्यूमेंट में इन चीज़ों को। तो लेट्स सी, हमने एक टेबल ऐड किया जिसके तीन ही कॉलम है और तीन ही रोज हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल आ गया, तो इसको हम जब हम फॉर्मेट कर रहे होंगे तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, दो नॉर्मली जो होता है, तीसरा जो शॉर्टकट कीज के जरिए होता है। तो दो ऑप्शन हम देखते हैं अभी। एक तो इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए जिस जगह मैंने क्लिक किया, ये प्लस का निशान आ रहा है ना आपके सामने, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इट मीन्स कि वो पूरे की पूरी जो शेप है, वेदर इट्स अ इमेज, वेदर इट्स अ टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, वट एवर इट इज, मतलब वो टेक्स्ट नहीं है तो बाकी सब चीज़ों को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको क्लिक करके, तो जैसे सेलेक्ट किया जाता है ड्रैग करके टेक्स्ट को या किसी चीज़ को, दो तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और इधर टेबल प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ चीजें, आप अपने टेबल को ये बिहेव कैसा करेगा, आपके उस पूरे जो वर्किंग एरिया है उसमें टेबल की पोजीशन क्या होगी उस चीज को, या टेबल की जो रो है उसकी हाइट, कॉलम की रो की हाइट क्या रखनी है और कॉलम की विड्थ क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें आप इधर कर सकते, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल मैं इसको ये प्रेफर्ड विड्थ कर देते हैं, ये पॉइंट्स में होती है, ये 1 कर दें, हम 1 करेंगे तो ये देखें ये श्रिंक कर गया साइज, ठीक है। तो ये सम इंचज पे होता है, सेंटीमीटर्स पे होता है। इस तरह इसको आप बढ़ा दें तो सारी रो विड्थ जो है ना प्रेफरेबली जितनी आप करेंगे तो वो उतनी सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो 4 कर दिया, तो ये इसमें ये है कि खूबसूरती बनी रहती है आपके टेबल की। ये हो गया। उसके अलावा आप इधर जो है कि आपकी जो टेक्स्ट होगी वो टेबल के किस तरफ अराउंड रहेगी, ऊपर रहेगी, टेबल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा आपकी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा टेबल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा इस टेक्स्ट को। ये देखें, मैं अब इसका फर्क आपको दिखाता हूँ। ये अराउंड द टेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए टेक्स्ट उसके साथ साथ आ रही है। ये देखें, ये अराउंड द टेक्स्ट करने से ये हो गया कि टेबल अपनी जगह मौजूद रहा, जो बाकी स्पेस थी उधर टेक्स्ट आ सकती है। और अगर हम इसको करते हैं कि ये नन करें, इट मीन्स कि वो टेबल जिधर एंड होगा तो टेक्स्ट उसके बाद होगी या इससे पहले आएगी या टेक्स्ट इसके बाद में, समझ आई आपको। एनीवन, एनीवन देयर? एक बार दोबारा रिपीट कर दें जरा। ओके ओके, मैं रिपीट ये करने जा रहा हूँ। ये देखिए, आप टेबल को सेलेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो ये अराउंड और नन का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अराउंड करेंगे तो टेक्स्ट जो है इसके, ये जो खाली जगह टेबल के साथ बची थी वहां भी टेक्स्ट आ सकती है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल को दरम्यान में ले गया हूँ तो सारी टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द आ गई, तो टेक्स्ट के साथ इसका बिहेवियर ये रहा। और अगर हम इसको करते हैं नन, तो इट मीन्स कि वो सबसे पहले, तो टेबल जिधर एंड होगा उसके बाद टेक्स्ट शुरू होगी या उसके बाद उससे पहले शुरू होगी। ये देखें, ये सॉरी, ये अब्सोल्यूट इसका जो नेचर जो बिहेव होता है वो यही होता है कि जिधर टेबल ने एंड होना है ना,
उसके बाद टेक्स्ट जो है आएगी। ये नॉर्मल जो इसकी सेटिंग होती है वो यही होती है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेक्स्ट अराउंड आए इसके, तो फिर उसके लिए आपको उधर से जाके अराउंड वाला ये सिलेक्ट करना, ठीक है। ये इस तरह, ये देखें, ओके। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो ये टेबल को किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं। ये देखें, टेबल लेफ्ट साइड पे हो गया। जिस तरह टेक्स्ट को अलाइन करते थे उसी तरह टेबल भी अलाइन हो सकता है, ये सेंटर के लिए, ये राइट के लिए। टेबल उस सिम्ट में पोजीशन अपने जो है उस तरफ उसकी हो जाएगी टेबल की। ओके, ये आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है रो। रो में अगर आप किसी रो की स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी हो, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कर देते हैं ये देखें, ये उसकी हाइट बढ़ गई है। ये आप जितनी आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपको लगता है कि आप रखना चाहते हैं उतनी रख लें। ये देखें, 0.5 रख दी तो हमने, तो ये इस तरह, ये देखें, ये उसकी ऑटो जो रो हाइट है ना, ये सिलेक्ट कर। इसी तरह कॉलम है, कॉलम में इसकी विड्थ होती है, वो जितनी आप रखेंगे तो ये उसकी विड्थ उतनी हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले प्रेफर्ड विड्थ उधर की हुई है। ये हम प्रेफर्ड विड्थ खत्म कर देते हैं, इधर हम सेलेक्ट करते हैं कि ये इतनी हो जाए। ये देखें, उसने उस खुद को एडजस्ट कर लिया। अगर हम इसको कर देते हैं 0.5, ये देखिए 0.5 हाफ इंच की हो गई उसकी जो विड्थ है, सॉरी, हाँ विड्थ है जो कॉलम की, ये वाली विड्थ है, ये वाली हाइट है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, उसके बाद ये सेल का ऑप्शन है। अब सेल के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखी हुई है उसको आप किधर अलाइन करना चाहते हैं, ये आप टॉप पे करेंगे तो टेक्स्ट ये देखिए ऊपर वाले एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, इधर हम लिखते हैं कुछ भी, ए बी सी, ठीक है, हमने लिखा और हमने सिर्फ ये एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ, ये वाले को। एक सेकेंड, बल्कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें। अब ये टेक्स्ट को बिहेवियर चेक कीजिएगा, ये इसको टॉप पे रखा हुआ है तो टेक्स्ट ऊपर से शुरू हो रही है, जब हम सेंटर पे करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट किधर आ गई है, दरमियान में आ गई है। इसी तरह आप बॉटम पे भी कर सकते हैं इसको, ये देखें, ये अब टेक्स्ट बॉटम पे आ गई है। आप सेल के अंदर जो आपका टेक्स्ट है उसका कैसा बिहेवियर चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको पता ही था, जो टेक्स्ट के लिए नॉर्मल हम करते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको सेलेक्ट किया, ये अच्छा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ये सिलेक्ट करते हैं ना, इसका मतलब है ये पूरा टेबल, ये एरिया देख लें, इसका मतलब है कि ये पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ होगा। और अगर आप सिर्फ इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करें इतना एरिया, तो ये आप टेक्स्ट के ऊपर जो अंदर वाली टेक्स्ट है उसके ऊपर आप ये देखें, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, राइट लेफ्ट कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट को आप अलग से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टेबल प्रॉपर्टीज, ये सेल भी हो गया, ये आपको समझ आ गई है, तो बस टेबल में करने वाली चीजें इतनी ही हैं, ये आप अपने टेबल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद अब ये इस पे डबल क्लिक करते हैं, वही जो प्लस वाला निशान मैंने बताया था, तो ये एक और बटन शुरू हो इसमें शो हो जाते हैं सामने। ये देखें, ये काफी सारे बटन हैं, ये इसके डिजाइन हैं जो प्री बिल्ट डिजाइन हैं, आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से ना। ये देखें, जिस तरह का डिजाइन आप सिलेक्ट करेंगे वो डिजाइन नीचे अप्लाई हो जाएगा उस टेबल पे। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया हमने, या फिर हम ये करना चाहते हैं, जो भी डिजाइन आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अब नॉर्मल रूटीन में आ गया, अब हम इसको खुद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको चाहते हैं कि इसकी जो टॉप रो है उसके हम बैकग्राउंड वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर, ये देखें,
ये इधर आएंगे टेबल प्रॉपर्टीज पे, ये देखें ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो इसमें आप शेड देना चाहते हैं कोई भी, ये देखें लाइक ये कलर हमने सेलेक्ट किया, ओके ये देखें उस सिर्फ एक कॉलम जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसका बैकग्राउंड शेड उस कलर का आ गया जो हमने चूज किया हुआ था। ठीक है, कैसे करना है दोबारा बताता हूँ। ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, और इसको आपने ये आगे ये तीन टैब है मुख्तलिफ, आपने लास्ट वाले पे आ जाना है शेडिंग वाले पे, और उधर से आपने क्लिक करके कोई भी कलर जो आप चाहते हैं कि आपके उस एक लाइन को अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं कलर शेडिंग देना चाहते हैं तो एक लाइन को दे सकते हैं, एक रो को दे सकते हैं, या आप पूरे को सिलेक्ट करके सारे को भी दे सकते हैं। ये पूरे को हमने सेलेक्ट किया, बॉर्डर शेडिंग पे आए और इधर से हमने ये कर दिया, और ये देखिए ये पूरे टेबल को हमने वो शेडिंग दे दिया। ठीक है, ये मजेदार चीजें जब आप करेंगे तो खुद से आप काफी सारी चीजें जो है ना वो सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसी तरह आप इसके टेबल का जो बॉर्डर है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें टेबल प्रॉपर्टीज में गए, उधर ही गए बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, ये पहला ऑप्शन है बॉर्डर का। तो आप ये देखें ये जो बॉक्स है ये शुरू शो करवा रहा है, ये देखें ये टॉप का बॉर्डर है, ये दरमियान वाला बॉर्डर है, ये साइड वाले बॉर्डर हैं, और ये नीचे वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं इधर क्लिक, ये अब हमने क्या किया है कि इसके अंदर के जो बॉर्डर हैं वो हमने सारे खत्म कर दिए। तो देखें हम देखते हैं हम क्या हुआ इसको खत्म करने, सिर्फ आपने ये इस पर क्लिक किया है, ये देखें इसी तरह आप हर साइड जिस साइड पे क्लिक करेंगे माउस से वो बॉर्डर खत्म होता जाएगा, ये देखें। ठीक है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा बॉर्डर शो करवा रहा होगा। ठीक है, अब हम इस पर करते हैं दरमियान वाले पे क्लिक किया हमने सिर्फ, ये गायब हो गया इधर से, और हम अपने उस टेबल पे देखते हैं उधर क्या हुआ। ये देखें जो दरमियान वाले उसके बॉर्डर थे वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी एरिया इसका बॉर्डर खत्म करना चाहते हैं आप इधर क्लिक करेंगे, आपने आप चाहते हैं कि इसके जो लेफ्ट साइड वाला बॉर्डर है वो ना हो तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये देखें जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो खत्म हो गया। आप पे आप इसको अपनी मर्जी से जैसे करना चाहें आप बॉर्डर्स को, जो बॉर्डर आप रखना चाहते हैं वो रखें, बाकी खत्म हो, ये देखें ये देखें हमने टॉप वाले दोनों बॉर्डर खत्म कर दिए, और सिर्फ टॉप और बॉटम वाले, सिर्फ साइड वाले और दरमियान वाले बॉर्डर। तो ये आप जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज्यादा आसान लगेगा और आपको ज्यादा चीजें सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिर्फ टेबल के हद तक बात। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पेज को भी बॉर्डर लगा दें तो पेज को बॉर्डर लगाने के लिए इससे अगला टैब है, जब आप राइट क्लिक करते हैं टेबल की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो पेज का बॉर्डर का टैब उधर ही आ जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब हम जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अच्छा यही चीज आप इधर भी कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल मौजूद है, और लाजमी नहीं कि आप सिर्फ एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं, आप जिस किस्म की मर्जी लाइन इधर से सिलेक्ट करके, ये उसका फिर वो साइज भी है कि आप उसकी मोटाई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना गहरा होना चाहिए आपका जो बॉर्डर है। ये देखें अगर हम उसको ये वाला बॉर्डर लगाते हैं और इसकी डेप्थ हम बढ़ा देते हैं, ये देखें ओके ओके सॉरी हमने पेज के बॉर्डर पे किया होगा, प्रॉपर्टीज हम मौसम में खड़े उधर थे ना, ये देखें ये देखें ये हमने बॉर्डर हम लगा दिया अपना, ये देखें वो थिक और वो ही बॉर्डर आ गया जो हमने उधर सेलेक्ट किया, ये देखें ये वाला लगाना चाहते हैं जस्ट हम क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीजें उसी तरह होंगी कि आप ऊपर वाला रखना चाहते हैं इसका कौन सा बॉर्डर आप इसको देना चाहते हैं कौन सा इसको नहीं देना चाहते वो आप इधर से क्लिक करके खत्म कर सकते हैं लाइक दिस। ये सिर्फ साइड वाला बॉर्डर आ गया, बाकी बॉर्डर खत्म हो, समझ आ रही है आप सबको? जी सर। ओके प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और मुझे बता देना कि आज के लिए इनफ है, ये कर लेंगे ताकि आप लोगों का सैचुरेशन लेवल भी देखा जाए ना किधर सैचुरेट हो सर जाते बस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
अच्छा चलें इसको तो पूरा कर लेने दें, ये जो अभी कर रहे हाँ हैं, जी ठीक है। तो ये बॉर्डर शेडिंग वगैरह और टेबल का समझ आ गई आपको। इसके बाद आप पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेज बॉर्डर के लिए आप किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप जस्ट ये देखें, इस पे आए, ये और ये बॉर्डर शेडिंग, पेज बॉर्डर। अब पेज को कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं आप, ये वाला लगाना चाहते हैं, उसकी थिकनेस वगैरह इधर से देख लेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये पूरे पेज पे, ये देखें, ये पूरे पेज पे बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो कल आपने जो है ये सारे बॉर्डर्स वगैरह लगा के और मुझे फिर दिखाना, ठीक है। यस सर। ये मुख्तलिफ किस्म के हर किसी ने लगाने हैं बॉर्डर पेज पे और टेबल पे, तो खुद से जो है आपने ये करके मुझे दिखाना। अब तक कोई चीज जो समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड द लेक्चर। सर क्लियर है। ओके, बाकी सब सो गए हैं? ये सर समझ आ गई है। माशाल्लाह। बाकी सोई हुई कौम को जगाना है हमने। चले माशाल्लाह, ये कुछ लोग इसमें भी कर रहे हैं रिप्लाई। अदिला आप सुनाई नहीं दे रहा, तो आप इंशाल्लाह, मैं वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज देता हूँ, फिर आप इसको देख सकेंगे। और नेक्स्ट अगर किसी को सुनाई ना दे रहा हो ना, तो वो इसको लीव करके तो दोबारा रीज्वाइन किया करें। जैसे ही आप रीज्वाइन करेंगे तो यू विल स्टार्ट हेयरिंग मी। चलिए ओके ठीक है, सर। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। उम्मीद है आपका तो समझ आ गया होगा। अब तक जी जो सर हमने समझ कर लिया है, आप इससे अच्छी तरह डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे वर्किंग कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें आप आसानी से कर लें, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल। बाकी जो चीज समझ आए तो आप पूछ सकते। ठीक है जी, ओके सर। अल्लाह हाफिज। इट्स ऑल फ्रॉम माय अल्लाह सेल्फ टुडे। ओके, अल्लाह।